भित्र अलि त झरना बोक्ने रहलियै तऽ एतऽ चार कोइरली सड़कमे ठड़ा भेल तऽ हम रास्ता काटली तऽ हमर झरनाके बोझा गिरा देलकै चारू कोइ ई ठोठ दाब देलकै नाकके ई मुड़ी पकड़ लेलकै हाथ पकड़ लेलकै हमरा बैठाके आ दिशा मुँहमे ढारैत रहलै तऽ हम हाथ गोर चालके ओकरा तब दिशा हटैली तऽ मुँहमे पड़ गेलै ओकरो सबके पड़ गेलै तब हम सबके रेरके खड़ा हो गेली कैला अहाँ ऊपर एहन घटना भेलै ओकरा घरवलाके सनकली तऽ हमही कऽ देलियै केकर घरवला सविता देवीके हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम जनचासोमा चिन्ता चासो र गुनासो सहितको हरेक आवाज जनताको अदालतमा दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मा यहाँहरूको रहन्छ आज हामी एकदमै गम्भीर विषयमा यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएका छौँ एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा विश्व कहाँबाट कहाँ गइसक्यो तर हाम्रो गाउँ समाज अझै पनि अन्धविश्वासमै गुज्रिरहेको एउटा उदाहरण छ महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो बिर्ता गाउँको निकै दुःखदायी घटना छ सम्झिँदा पनि रुन मन लाग्छ जो भोग्नुभएको छ उहाँको पीडा कति होला सोच्न सकिन्न निकै गम्भीर छ बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मानव मलमूत्र खुवाइएकी र त्यसबाट पीडित भएकी एकजना गरिब महिलाको कथा व्यथा लिएर उपस्थित भएका छौँ यहाँहरूको बिचमा आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर पीडित महिलाको न्यायको लागि तपाईँहरूले दबाब सिर्जना गर्नुहुन्छ भनेर हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ बाख्रा चराएर घर फर्किँदै गरेकी एकजना 35 वर्षीय महिला चन्दन देवी दनुवारलाई छिमेकीहरूले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेर मानव मलमूत्र खुवाएको घटना प्रकाशमा आएको छ हो यसैको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि यतिखेर महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो बिर्ता गाउँमा आएका छौँ हामी यतिखेर हामी चन्दन देवी दनुवारको घरमा जाँदैछौँ उहाँको अवस्था बुझ्नको लागि बोक्सी गाउँघरमा यसलाई डाइन भनिन्छ के वास्तवमा डाइन हुन्छ त के वास्तवमा बोक्सी हुन्छ त हुँदैन यदि डाइन र बोक्सी हुने हो भने सरकारले यति प्रहरी प्रशासन किन राख्नु त्यही डाइन र बोक्सीलाई राखेर नै काम भइहाल्थ्यो नि किन प्रहरी प्रशासन चाहियो हो सोच्ने विषय छ हामी यो अन्धविश्वासमा गुज्रिरहेका छौँ जसको कारणले गर्दा दिनहुँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू बोक्सीको आरोपमा यातना भोगिराख्नु भएको छ कतिले त ज्यानै गुमाइसक्नु भएको छ यसै पछिल्लो यातनाको शिकार हुनुभएको छ चन्दन देवी दनुवार उहाँसँग उहाँको यो पीडा कसरी भयो घटना कसरी भयो म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु दिदी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ किन आफ्नो घटना भेले बकरीमे से आबैत रहली तऽ हम झरना बोकने रहलियै तऽ एतऽ चार कोइरली सड़कमे ठड़ा भेल तऽ हम रास्ता काटली तऽ हमर झरनाके बोझा गिरा देलकै चारू कोइ ई ठोठ दाब देलकै नाकके ई मुड़ी पकड़ लेलकै हाथ पकड़ लेलकै हमरा बैठाके आ दिशा मुँहमे ढारैत रहलै तऽ हम हाथ गोर चालके ओकरा तब दिशा हटैली तऽ मुँहमे पड़ गेलै ओकरो सबके पड़ गेलै तब हम सबके रेरके खड़ा हो गेली कैला अहाँ ऊपर एहन घटना भेलै ओकरा घरवलाके सनकली तऽ हमही कऽ देलियै केकर घरवला सविता देवीके सविता देवीके हाँ सविता देवीके घरवलाके नाम की छै जय नारायण जय नारायण हाँ ओकरा की भऽ रहल छै दिमाग खराब केना भऽ गेलै ओ विदेशेमे कमाइत रहलै तऽ विदेशेमे हो गेलै एना कतेक वर्ष अगाडिके घटना है 5-6 वर्ष भऽ गेलै 5-6 वर्ष अगाडि ताहिके बाद अहाँके जे काल्हिखन अहाँके मानव मलमूत्र अपनेके खुआल गेलै ताहिके बाद एहिसँ अगाडि केहन केहन घटना होइ छलै एहि विषयके लऽ कऽ एहि विषयके लागि ओकरा एक बाजी एगो खाँसी मरलै तऽ कहतली तुही कऽके तुही खाँसीके खा लेली हम घरो न रहली जनकपुर गेल रहली अयली तऽ ओकर खाँसी मर गेलै तेहने गाड़ी सारी दैत रहली तैयो हम न बजलियै आब ओ खाँसियो कहि तुही खा लेला बेर बेर अहाँपर एहन घटना होइत रहै गाड़ी उड़ी पढ़ैत रहलै एहन काण्ड न होइत रहलै
एमके बाजी सब हमरा न रहले था, हम 10 बजे के बकरी में गेल रहलिए तो हमरा न रहले था, तो ई सब रहले सब कोई चार कोई गुट मिट कैले के सब आहा पर एन घटना कैले। हमरा में सुकेश्री देवी आ ई कथि नाम छै इंदु देवी कोशिला देवी आ सलीता देवी, चार जना मिलकर आहा पे एन घटना कैले। कोई है एहन घटना स्थल कोई है नहीं चलू तो देखा दू तो कनी यतिकाल हामी उहाँलाई जुन दुर्व्यवहार गर्यो त्यो ठाउँमा हामी जाँदै छौ घटनास्थल हेर्नको लागि। कति दूर है यतिखेर हामी महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो बिर्ता गाउँमा छौँ, जहाँ चन्दन देवी दनुवारलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मानव मल मूत्र खुवाएको घटना प्रकाशमा आएको छ। त्यसको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हामी आएका छौँ। केनिसे अहाँ आबैत रही? एनिसे अहाँ आबैत रही? कथि झरना लैके? झरना लैके यहाँ झरनाके बोझा ऐसे की भेले केना के रास्ता गेल आइ बासे ई सब रहले ठड़ा भेल त हम आइ साइड एना के कई बार रहले ठड़ा भेल एनियो रहले ठड़ा भेल एनियो रहले ठड़ा भेल हम माने बगल के यहाँ आइली त हमरा एना जतना गिरा दे। अय्या हां तई के बात कत लगले जे से यही आइ दे अय्यान अय्यान ई झरना आ के है? हमर झरना ई खेत के करे? ई खेत कोशिला देवी के है। कोशिला देवी के ई मुरी पर झरना धैने रही? हां मुरी में ई कत से झरना ले ली? ई भूखा भूखा ई आ के झरना है? हां हमर कथी में लेने केना 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 के अहा के अथी दिशा पिसा खवा देल के आया है बा सीसी में धैने रह सीसी में धैने रह ओकरा घर से कोशिला देवी घर से निकल ले सीसी। हां सीसी लके ओ सब चल गेले? हां सीसी हम न लेबे सब ओहे से लके भाग गेले। हां ओहे सब केना का तई के बाद अहा पे एना जे घटना भेले तो केना के अहा के केना अहा प्रहरी के जानकारी कइले? हमरा प्रहरी सब सब साथे रहले बूथा में सब जना बैठल रहलिए। हां तो हमरा ई घटना भ गेलै न त तुरंते हमर बेटा फोन कर देलकै गांव के लोग फोन कर देलकै पुलिस रास्ते में से पुला लग से खोला ए अहा बकरी चरा के जे आबैत रहली त रास्ता में पुलिस भेटल छले अहा के? हां ओनी हां अहा के काय गो धिया पुता है? तीन गो धिया पुता है। बेटा काय गो बेटी काय गो? बेटी दू गो बेटा एगो। ए अपने के जे अतेक दिन से जे उ सब दुख दे छले डाइन के आरोप लगबे छले तो अपने जाके कतो नहीं कह छलिए? हम सब कह दली अब गांव घर के तो ओने महिला सब गाड़ी गंजन दे है कथि झगड़ा करू तो हम न बजित रहली नहीं बजित छली न बजित रहली कहली कहां जाओ अपने से बेटा बड़का आदमी हम कहां जाऊं मुंह खाली करे तो हम सही के रह जाई सही करे जाथि। हां होइत होइत आगे एहन घटना भ गेले। हां एहन घटना ई जे चारि पाँच जना जे मिलकर एहन घटना केलकै जे कहै छै ई सब पहिले से योजना बनबै छलै कि की के? हमरा नै रहलै था था रहलै हम 10 बजे बकरी में चलि त मानल नै था रहलै नै रहलै हमरा था। हम केकरो लग हमरा काम से मतलब दोसरो लग हम जेबे न करतै बैठकन करतै त हमरा था है न। तो अभी अहा ओहि दिन जे बिरामी भ गेलियै अहा पौना जे घटना भेलै ताहि के बाद कत कत गेलियै? हम कतौ न गेलिए मात्र सीतापुर पढ़री में गेलिए बोलल कि तो अथी सन के गेली सीतापुर पढ़री आ रवि के गेली जलेसर। जलेसर अपने मुद्दा तो देने छी सब चीज दे देले। अब की होब के चाही ओहन आदमी सब के? अब ओहन आदमी सब अन्याय के होते अन्याय कल के तब ओकरा सब के जेल भव के चाही जेल होय के चाही। चंदन देवी दनुवार त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, प्रकाशमा आएको घटना मात्रै हो। चंदन देवी दनुवार जस्ता कयौं असहाय महिलाहरू पीडाबाट छटपटाइ राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइन्छ, कुटिन्छ, पिटिन्छ, उहाँहरू सहनुहुन्छ, समाज यस्तै हो, छिमेकीले नजानेर यस्तो गरे होला, जब ती घटनाहरूको जब रूप ठुलो हुँदै जान्छ, अत्याचारको सीमा नाघिँदै जान्छ, त्यसपछि कानुनी रूपमा कारवाहीको लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हो चन्दन देवी दनुवार आज त्यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ र अहिले न्याय माग्दै अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धाई राख्नु भएको छ। चन्दन देवी दनुवार जस्ता दिदी बहिनीहरूको यो कथा व्यथालाई हामीले आफ्नो भनेर सम्झिनुपर्छ र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाहीको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन अमृत कुमार महतोको साथमा, राजकरण महतो, भङ्गा महतरी।